jungle. थोड़ा सा मुस्कुराइए राजा भैया, मुस्कुराइए थोड़ा। बस राजा सुन के चला आगे, आप सीरियस ना होइए। आप दो लोग अंदर है और उसको बाहर है, उसको भी पुलिस प्रयास कर रही है कार्रवाई करने की। और आज सुबह 4:10 पर टिप ऑफ से इसमें कहते हैं टिप ऑफ, मतलब सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी किया था और घेराबंदी के बाद पकड़ा गया है। 14 में जी 14 में भाग गया। 14 में सर, 16 में दोनों में ये साथ है सर। नहीं भाग नहीं पाता, 16 भाग पिछड़ता रहा पीछे। और फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों में से खिलाफ अभियोग दर्ज है। एक आध मामले पर बाकी के बताए गए हैं, अभी उसको मैं इकट्ठा करवा रहा हूँ, 35 में आ जाएगा और अभी ठीक बताए गए। लखनऊ वाले किस मामले में? यही मोटरसाइकिल चोरी करता है और पटरंगा में इसने 2016 में पकड़े गए हमारे भी आने वाली है पहले। हाँ उसको बता दीजिएगा। मेरी गाड़ी में रखा है, कागज निकाल लो। इस गाड़ी में कागज रखा है, इसके तीन नाम है। एक विक्रम सिंह नाम है, उर्फ ठाकुर सिंह उर्फ साहबलाल सिंह, ये हलियापुर सुल्तानपुर का रहने वाला है और ये इस पर 25,000 का इनाम है। और ये 2016 में जब पुलिस की बरामदगी के लिए मोटरसाइकिल, चूंकि ये लुटेरा और मोटरसाइकिल चोर है, बोल रहा एक 25,000 रुपए का इनामी विक्रम सिंह पकड़ा गया है, जो साथी लुटेरा और मोटरसाइकिल चोर है। इसके अंतर जनपदीय गैंग का ये सदस्य है। लखनऊ से लेकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और फैजाबाद पुलिस में ये वांछित चल रहा था और हमारी टीम ने इसको सफलता प्राप्त किया है, इसको पकड़ा है। हमारी टीम स्वाट की और सुजी और साथ साथ थाना खंडासा की टीम लगी हुई थी, क्योंकि एसएसपी सर का निर्देश था कि ऐसे अपराधियों जो साथी अपराधी हैं और साथ साथ जो पुरस्कार घोषित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इसके खिलाफ हमारी टीम ने सफलतापूर्वक इसको गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 का इनाम है और साथ साथ इसके साथ 32 बोर की पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक टिप ऑफ पर सूचना मिली थी, एक दोराहा पड़ता है खंडासा थाना अंतर्गत, वहाँ पर सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार से हम फैजाबाद पुलिस की तरफ से और सर की तरफ से, एसएसपी सर की तरफ से पूरी पुलिस टीम को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है और निश्चित तौर से हम शुभकामनाएं देते हैं टीम को। साथ साथ भविष्य में भी पुरस्कार अपराधियों के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा और हम कार्रवाई करते रहेंगे।